हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपालीज फूड रेसिपीज। आज हम फुली फुली और एकदम सॉफ्ट पूरी बनाएंगे और उसके साथ हम आलू की रसे वाली सब्जी बनाएंगे। बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है, तो चलिए हम आलू की सब्जी और पूरी बनाना शुरू करते हैं। पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है, नॉर्मल आटा है जिसे हम चपाती बनाते हैं। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल हमें 1 ही चम्मच यूज करना है। ज्यादा तेल यूज करेंगे तो पूरी खस्ता हो जाएगी और कड़ी हो जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक मीडियम सा आटा लगा लेंगे। ध्यान रहे कि आटा ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और ज्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम सा होना चाहिए। जिस तरह से हम पराठा का आटा गूंथते हैं उसी तरह से होना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आटा गूंदा है। अब इसमें हम 2 से 3 बूंद तेल लगा के इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम आलू की रसे वाली सब्जी तैयार कर लेंगे। आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम 1 चम्मच सरसों डाल देंगे, 1/2 चम्मच जीरा, 1/3 छोटी चम्मच हींग। हींग के बाद इसमें मैंने यहाँ पे 2 तेज पत्ता लिया है और 1 लाल सूखी मिर्च ली है, इसे मैंने तोड़ दिया है, इसे डाल देंगे हम। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सारी चीजों को हम भून लेते हैं 1/2 सेकंड के लिए। मसाले सारे भून चुके हैं। मैंने यहाँ पे 4 उबले हुए आलू लिए हैं, 3 आलू को मैंने इस तरह से काट लिया है और 1 आलू को मैश कर लिया है, उसे हम डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। 1 मिनट के लिए आलू को इन मसालों में भून लेते हैं अच्छे से। आलू अच्छे मसाले में भून चुके हैं, इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे, मिला लेंगे और इसमें 1 उबाल आने देंगे। हो चुके हैं, मैंने सब्जी को मीडियम फ्लेम में उबाला है। आप देख सकते हैं तेल भी इसका सेपरेट हो गया है और रसा भी कितना गाढ़ा हो गया और बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेम्पटिंग हमारी सब्जी लग रही है। इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और 2 चम्मच नींबू का रस। अगर आप नींबू का रस नहीं डालना चाहते हैं तो आप अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और धनिया पत्ती डाल देंगे 2 चम्मच, इसे भी मिला लेंगे अच्छे से। लग रही है ना हमारी सब्जी मजेदार और टेम्पटिंग? आप भी इस सब्जी को पूरी पराठे के साथ जरूर बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। गैस ऑफ कर लेते हैं और पूरी को तलने की तैयारी कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, आटा को हम थोड़ा मसल लेते हैं। अब इसमें से हम छोटी छोटी लोई तोड़कर पूरी बना लेंगे। आप देख सकते हैं ना ही मैं सूखा आटा का यूज कर रही हूँ ना ही तेल का यूज कर रही हूँ। इसी तरह से पूरी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी फुली फुली और सॉफ्ट पूरी बनती है। और ध्यान रहे पूरी को एक साथ बेलकर नहीं रख देना है, 3-4 पूरी बेलनी है और फिर तुरंत ही फ्राई करनी है, तो उससे पूरी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। पूरी को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है। तेल अच्छा गरम होना चाहिए तभी पूरी जो है वो फूलती है। पूरी को डाल देंगे हम इसमें। और इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। आप देख सकते हैं अच्छी पूरी हमारी फूल गई है। इसी तरह से हम बाकी की पूरियों को भी छान लेंगे।
आलू की सब्जी और पूरी बनकर तैयार है। आप भी इसे घर में जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी पूरी भाजी कैसी बनी।